पूरी जैन कम्युनिटी सड़कों पर उतर आई है, प्रोटेस्ट कर रही है। रीजन, उनका तीर्थ स्थल एक टूरिज्म स्पॉट बनने जा रहा है। ये वीडियो पिछले साल का है जब जैन कम्युनिटी के बाहर के लोग यहाँ बिना परमिशन के घुस गए, व्लॉग्स बनाने लगे, जोर से गाने बजाने लगे, अश्लील हरकतें करने लगे। दिस इज वैंडलिज्म एंड डिसरिस्पेक्ट जो सरकार रोक नहीं पाई। जैन कम्युनिटी पूछती है, अगर अब ये हाल है तो जब पूरी जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगी तो क्या होगा। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले हम सारी हिस्ट्री जानेंगे, टाइमलाइन को समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम अपने ओपिनियंस के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इमोशनली नहीं लेकिन लॉजिकली भी बात करेंगे, तो अगर आप सिर्फ एक इमोशनल अपील जैसा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के अलग अलग मुद्दों पर हम आवाज उठाते हैं, उन्हें एक सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लाते हैं, लेकिन आप में से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, टाइमलाइन। शुरुआत से मुद्दे को समझते हैं। झारखंड स्टेट के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में परसनाथ हिल्स, ये कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं है। यहाँ जैन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, विच इज कॉल्ड श्री सम्मेत शिखर जी। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्ति हुई। जैन कम्युनिटी के लोग शिखर जी की 27 किलोमीटर्स की परिक्रमा करते हैं। इस जगह की हिस्ट्री 7th century BC तक जाती है, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री समझते हैं। 18th century में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तब ब्रिटिश जीत गए और तब से आज तक ये जगह जैन कम्युनिटी मैनेज करती आई है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे एक जैन ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ और 1964 तक ये पूरा एरिया एक प्राइवेट फॉरेस्ट हुआ करता था। 1972 में बिहार सरकार ने परसनाथ हिल्स का कंट्रोल ले लिया। तब से अब तक ये जगह अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में आती रही है। फुल टाइमलाइन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अलग अलग एरियाज को इको सेंसिटिव जोन एस्टेब्लिश किया। ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? ये एक फॉरेस्ट और गांव या शहर के बीच आने वाला एक बफर एरिया होता है जहां से मैन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट कम हो। 28 दिसंबर 2021 में झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपनी पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें इस जगह को एज ए टूरिज्म प्लेस डेवलप करने का प्लान सामने रखा। चैप्टर 2, तो प्रॉब्लम क्या है? टूरिज्म, ये शब्द काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि टूरिज्म का मतलब कुछ भी हो सकता है। किस तरह की एक्टिविटीज अलाउड होंगी, किस तरह के लोगों को यहाँ आने की परमिशन होगी, जो लोग आएंगे क्या वो जैन धर्म का सम्मान कर पाएंगे, अगर वो अल्कोहल लेके आते हैं तो क्या होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके जवाब झारखंड सरकार के पास नहीं। जैन कम्युनिटी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस जगह को होली प्लेस ऑफ वर्शिप डिक्लेयर किया जाए ताकि यहाँ की सैंक्टिटी बरकरार रहे। दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक भारत के बाहर भी जैन कम्युनिटी के लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, ताकि उनकी डिमांड्स झारखंड सरकार सुने और अपना डिसीजन वापस ले ले। कुछ दिनों पहले एक जैन मंक ने ऐसे ही अनशन में अपने प्राण त्याग दिए। स्टिल इस बात की अर्जेंसी सरकार तक पहुंची नहीं। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि सरकार अपने प्लान्स में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही। इस जगह की कई सेंचुरीज की रिलीजियस हिस्ट्री है, ये जानते हुए भी यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थॉट लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सच बताता हूँ, हम दोनों ने पिछले 2-3 साल में आए हुए सारे डॉक्यूमेंट, सारे नोटिफिकेशन, सारे लॉज पढ़ लिए, लेकिन कहीं पर भी सरकार का एग्जैक्ट प्लान क्या है ये समझ नहीं आ रहा। तो नेचुरली यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ये समझना इम्पॉसिबल। थर्ड इशू ये भी है कि हाल ही में गुजरात में वैंडलिज्म के किस्से सामने आए थे। यहाँ पुलिस ने ऐसा कंक्लूड किया कि चोर आया था और उसने कुछ ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आइडल को डैमेज कर दिया। लेकिन जैन लोग मानते हैं कि इस इशू में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस टेक्स अवे द कॉन्फिडेंस पीपल हैव इन द गवर्नमेंट। वो कंफ्यूज है कि क्या उनकी राइट्स यहाँ प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्या उनकी आवाज लॉ मेकर्स तक पहुंच रही है, एंड दैट्स द कोर इशू। चैप्टर 3, हमारा ओपिनियन। हैव यू हर्ड द टर्म बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं? पूरे भारत की सारी पार्टीज ने यह समझ लिया है कि प्रोटेस्ट का रुख किस ओर है और हर कोई यहाँ अपने हाथ साफ रखना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकरना चाहता है। सच तो यह है कि इस पूरे इशू के लिए हमारी ड्रेकोनियन सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम में चेंजेस लाने हों। शिखर जी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन 3 साल पहले का होने के बावजूद उन्हें इसके बारे में अभी पता चला। स्टेट और सेंटर दोनों ने जैन कम्युनिटी को कंसल्ट ही नहीं किया। भारत आज भी वही लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉलो करता है जो ब्रिटिशों के जमाने में फॉलो हुआ करती थी। ये प्रोसेस जानबूझकर कॉम्प्लिकेट की जाती थी ताकि आम आदमी को कुछ ना समझे, उनके साइड से कोई ऑब्जेक्शन ना आए और फिर ब्रिटिश उन्हें जो चाहे वो कर पाए। अब हम आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं,
फिर भी हम उस प्रोसेस से आजाद नहीं हैं। गवर्नमेंट और गवर्न्ड में जो डिस्टेंस है वो हमें कम करना ही होगा, कम्युनिकेशन सुधारना होगा, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें सरकार और जनरल पब्लिक को हर रिलीजन के बारे में सेंसिटिव बनाना होगा। कहने के लिए तो भारत एक देश है, लेकिन अक्सर हमें हमारे धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हम ये नहीं समझते कि उनके वैल्यूज क्या है, एंड दैट्स व्हाई ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। और जब तक ऐसे इश्यूज नेशनल इश्यूज नहीं बनते तब तक नजर ही नहीं आते। आज जो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है वो सिर्फ आज का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सालों का फ्रस्ट्रेशन है जो आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। डिलेड जजमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और जनरल नेग्लिजेंस की वजह से आज भारत की सबसे शांत कम्युनिटी भी फाइट कर रही है। सी, जैन कम्युनिटी ने भारत को कई सारे जेम्स दिए हैं, उनका इस देश को बनाने में योगदान है। भारत एज अ कंट्री सारे रिलीजन का सम्मान करता है, एंड वी नीड टू बी प्राउड ऑफ दैट, बट इट नीड्स टू रिफ्लेक्ट इन एक्शंस एज वेल। आई एम 100% श्योर कि सरकार इस मुद्दे में एक्शन लेगी। द रियल चैलेंजेस आगे जाकर ऐसे इंसिडेंसेस ना हो, इसके लिए सरकार क्या करेगी? मुझे एक बात सीरियसली समझ नहीं आती कि मीडिया अलग अलग इश्यूज ढूंढती रहती है वहां पर डिबेट करने के लिए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे टाइम रहते हुए क्यों नहीं उठाती? व्हाई कांट लॉयर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कीप एन आई आउट फॉर स्टफ लाइक दिस? इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी ताकतवर तभी बनती है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिसीज को समझते हैं और टाइम रहते हुए एक्शन लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग पॉलिसीज, ताकि हमारे लीडर्स को भी पता चले कि उनको देखने वाला कोई है, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश के लोग हमारे हैं, और हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जहां हम सबको अपनी लाइफ अपनी श्रद्धा के हिसाब से जीने का अधिकार है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।